आमान्य गोपिंदर सिंह हुड्डा साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर हरियाणा और हरियाणा की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जी, डॉक्टर शमसुद्दीन साहब और उनके मिस्टर झा हमारे मीडिया को जीतते हैं, और साथियों मेवात के हमारे बुजुर्गों और साथियों और वकला साहिबान। आमतौर पे और हकीकत भी है, मुल्क का और हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका मेवात को माना जाता है। मैं बधाई देता हूं भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को कि उन्होंने अपने वक्त में कुछ चीजें वहां की। मैं 1977 से लेकर आज 42 साल से, जब मैं यूथ कांग्रेस में था, हरियाणा के दूसरे जिलों के अलावा मेवात में खास तौर पे जाता था अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, लेकिन कोई किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। इन्होंने तीन बड़ी चीजें वहां की, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। एक तो मेडिकल कॉलेज बनाया, उससे वहां मेडिकल कॉलेज में तो हर जगह के लोग जाएंगे, लेकिन जहां मेडिकल कॉलेज होता है तो लोकल लोगों को सबसे बड़ी जो सुविधा होती है अस्पताल की सुविधा होती है। तो एक अस्पताल की सुविधा मेडिकल कॉलेज के होते हुए, दूसरी पीने की सुविधा जो पानी की थी वो उन्होंने की, और मेवात को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बना दिया अपने आप में, अब मेवात डिस्ट्रिक्ट, वरना मेवात पहले फरीदाबाद का शायद हिस्सा होता था। किसका डिस्ट्रिक्ट है? गुड़गांव का हिस्सा होता। तो अब फरीदाबाद, ये मेवात अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत बड़ी चीज है। और आपके शासन में ही वहाँ शायद उर्दू के पढ़ाने के लिए एक अलग वहीं की सिलेक्शन होती थी, वरना उर्दू टीचर मिलते थे। ये चार पांच चीजें बहुत अच्छी हैं, हुई है। लेकिन आम तौर पर वहाँ दीनी तालीम ज्यादा लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी तालीम नहीं पढ़ते हैं, और जिसकी वजह से ज्यादा रुझान उनका दीनी तालीम की तरफ होता है, लेकिन बहुत कम पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की विशेषता आज इसलिए है कि मेवात में से शमसुद्दीन जी, जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं, एक नई चीज। पांच भाई है, पांच में से चार भाई बीए, एलएलबी, पीएचडी और डॉक्टरेट लॉ, पांच चार, और चारों गोल्ड मेडलिस्ट। ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में पहली दफा ऐसा होगा कि एलएलएम और पीएचडी हूं और फिर गोल्ड मेडलिस्ट भी हूं और पांचवा बी एलएलबी है। और यही कारण है कि 2001 में लिम्का बुक के एडिशन में इन चारों का नाम आया फॉर डिस्टिंक्शन इन लीगल फील्ड। लीगल फील्ड में एक नई डिस्टिंक्शन, एक ही घर के पांच लॉ ग्रेजुएट, उसमें से चार डॉक्टर्स हूं, पीएचडी हूं लॉ में, और चार हूं गोल्ड मेडलिस्ट। और शमसुद्दीन साहब उनमें गोल्ड मेडलिस्ट के अलावा भी ये पढ़ाते रहे, लॉ पढ़ाते रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, फिर ये विदेश में पढ़ाते रहे कई देशों में, और उसके बाद इन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए लीगल एडवाइजर सेलेक्ट हुए आज से 20 साल पहले।
और उसमें प्रमोशन होते होते ये एडिशनल डायरेक्टर बन गए और हेड ऑफ द लीगल डिवीजन बन गए और कोर मेंबर बन गए ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल 1998 में किया और 1999 में इसका कानून बन गया 2002 में। तो इस तरह से बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। एक किताब तो बहुत बड़ी 5-6 किलो की मुझे लगी जो उन्होंने मुझे पेश की कुछ दिन पहले। तो एक लिटरेरी फील्ड है। इनके आने से मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन जो इनके परिवार ने शिक्षा प्राप्त की है, तालीम हासिल की है, मेवात में जो पिछड़ा इलाका है, वहां के उत्थान के लिए, वहां की डेवलपमेंट के लिए, वहां की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए और वहां के लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू है हमारे भाई, मुसलमान भाई हो, किसी भी तबके, किसी भी फिरके, किसी भी धर्म के हो, उनके लिए काम करेंगे। सर्विस आपने बहुत की, सरकार की, अब लोगों की और अपने इलाके की सर्विस करना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हमारा भाई और बहने, या किसी भी मजहब की हो, ये आपका कर्तव्य बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज इतनी पढ़ाई के बावजूद भी आपने सब भाइयों ने कांग्रेस पार्टी को चुन लिया कि कांग्रेस ही पार्टी एक अकेली पार्टी है जो इस देश की एकता और अखंडता को चुन रख सकती है, और कांग्रेस ही एक पार्टी है जो बैकवर्ड एरियाज का या बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट कर सकती है, या गरीबों की मदद कर सकती है, किसानों की मदद कर सकती है, मजदूरों की मदद कर सकती है, पिछड़े हुए लोगों की मदद कर सकती है। ये आप इतनी पढ़ाई के बावजूद आप सब भाई इस नतीजे पर पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आजाद साहब, डॉक्टर शमसुद्दीन जी, सम्मानित मंच उपस्थित मेहमान साहब, मेरे बुजुर्गो, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, जो आज डॉक्टर शमसुद्दीन जी जो बड़े काबिल और बड़े लायक वकील हैं और हर आदमी की मदद करने वाले हैं, आज अपने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हरियाणा में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है और कांग्रेस पार्टी में भी इनको सदैव उचित मान और सम्मान मिलेगा, स्थान मिलेगा, और इनकी देखरेख में बहुत सारे अच्छे काम होंगे। मेरी सब बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है, अपनी कांग्रेस पार्टी में मैंने आज प्रवेश किया है और मैं, जैसे हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा है कि आपसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और अपनी पार्टी के लिए अपनी पूरी चेष्टा से, पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा, और आने वाला वक्त बताएगा कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए पूरे तन मन धन से काम करूंगा। धन्यवाद। देखें, अभी तो कोई गठबंधन की बात हुई नहीं है हरियाणा को लेकर, बाकी दिल्ली में कौन कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, अभी अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। चलिए दूसरा, देखो हम तो पार्लियामेंट मेंबर और मैं तो एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं, कौन सी नई बात, अभी कोई चर्चा नहीं हुई है हमारी पार्टी के अंदर, कोई चर्चा नहीं। चलिए दूसरा, तीसरा है, चलो दूसरा बोलिए।
बीजेपी से और क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं? बीजेपी और उनका काम ही क्या? और बातचीत चल रही होगी, जो कंसर्न जनरल सेक्रेटरी है, मैं तो कंसर्न जनरल सेक्रेटरी नहीं हूं दिल्ली का। अच्छा चलिए, दूसरा आप पौधा हो गया, गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, बिहार में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, पंजाब हरियाणा तो कोई ऐसा गठबंधन अभी मैंने सुना नहीं। अच्छा चलिए आगे। ओके जी, थैंक यू।